अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। हियर आई एम योर टीचर मिस अनम निशात। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। वी कैन कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड सी विच ऑब्जेक्ट इज टॉलेस्ट एंड विच ऑब्जेक्ट इज शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट मीन जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं टॉलेस्ट। लुक एट दिस ट्री, ये क्या है? टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं टॉलेस्ट, जो हाइट में सबसे ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। और शॉर्टेस्ट मीन जो सबसे ज़्यादा छोटा हो। मतलब जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है प्लांट, तो यहाँ पर ट्री को और अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं ट्री का और प्लांट का, तो ट्री क्या है? टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लांट इज़ अ शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लांट यहाँ पर सबसे छोटा है तो इसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट। तो ये क्या है? हाइट में शॉर्टेस्ट। और ट्री सबसे बड़ा है तो ट्री इज़ अ टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड वर्टिकली डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड्स। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स लेंथ अपवर्ड्स। ओके, लुक एट दीज थ्री लैडर्स, दे हैव अनइक्वल हाइट्स। The height of the red ladder is more than the height of yellow and blue ladder. So we can say that red ladder is tallest of the three ladders and blue ladder is shortest among them. यहाँ पर रेड लैडर जो है वो हाइट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि रेड लैडर सबसे इन तीनों में से टॉलेस्ट है, ठीक है। रेड लैडर क्या है? इन तीनों लैडर्स में से टॉलेस्ट है। और यहाँ पर ब्लू लैडर जो है वो हाइट में छोटा है। जब हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे छोटा लैडर ब्लू लैडर है। So we can say that blue ladder is shortest among them. Okay, look at this picture. You can see giraffe, elephant and horse. You can see that giraffe is tallest as compared to other animals and a horse is shortest among them. जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में जिराफ जो है वो हाइट में सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि जिराफ इज टॉलेस्ट एनिमल ऑफ दीज थ्री एनिमल्स एंड हॉर्स इज शॉर्टेस्ट। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि हॉर्स यहाँ पर इन तीनों एनिमल्स में से सबसे छोटा है। सो वी कैन से डैट हॉर्स इज shortest of these three animals. Okay students, let's do a worksheet. Tell me which is the tallest. Look at first box. Okay, tell me which giraffe is tallest in these three giraffes. Yes, this one. You have to circle the tallest giraffe. This giraffe is tallest of these three giraffes. Okay, tell me. In second box, which tree is shortest? Which tree is shortest? Yes, this one. This is
This tree is shortest among these trees. Okay, look at box 3. Which boy is tallest? Yes, this boy is tallest. Very good. Okay, tell me, in 4th box, which building is tallest? Yes, this one. This is tallest. Okay, look at these 3 ladders. Which ladder is shortest? This one. Very good. This is shortest. Okay, look at these flags. Which flag is tallest? Yes, this one. This is tallest flag. क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. जिसकी हाइट सबसे छोटी हो वो है shortest, और जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो वो है tallest. Very good. Students, you have to do this activity at your home. You have to draw 2 trees, one tallest tree and one shortest tree, and write tallest and shortest. Then draw building, 2 buildings. One is tallest and the second one is shortest. This is your home assignment. Now students, take out your books. Maths book, page number 31. Our topic is ordering by height. Tall, tallest and shortest. Let's read the statement. Color the tallest flower red and shortest flower purple. हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 flowers दिए गए हैं. हमने tallest flower को red color करना है जैसे कि मैंने picture में दिखाया है, और जो shortest flower होगा उसमें आपने purple करना है. ठीक है, ये जो पर्पल कलर का फ्लावर मैंने दिखाया है ये हाइट में सबसे छोटा है, मतलब ये शॉर्टेस्ट है, तो इसमें हम कर रहे हैं पर्पल कलर. और जो रेड फ्लावर है जिसमें मैंने रेड कलर किया हुआ है वो हाइट में सबसे ज़्यादा है, मतलब ये टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट में हमने करना है रेड कलर. ठीक है, नेक्स्ट, हियर इज़ अ कैंडल, ड्रॉ 2 मोर कैंडल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स. यहाँ पर एक कैंडल दी गई है जिसमें मैंने येलो कलर किया है, तो आपने क्या करना है, 2 मोर कैंडल्स ड्रॉ करनी है ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड ऑर्डर देम बाय हाइट. ठीक है, और हमने उनको ऑर्डर वाइज रखना है, मतलब एक शॉर्टेस्ट रखनी है और फिर उसमें क्या रखना है, देन आपने क्या करनी है, टॉल और देन टॉलेस्ट. ठीक है, आपने एक सबसे छोटी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, आपने ऑर्डर वाइज बनानी है, इस कैंडल से थोड़ी सी बड़ी कैंडल, देन आपने उससे भी बड़ी कैंडल. ठीक है, कलर द शॉर्टेस्ट कैंडल येलो एंड द टॉलेस्ट कैंडल ब्लू. यहाँ पर एक कैंडल दी गई है और उन्होंने कहा है 2 आपने डिफरेंट हाइट्स की ड्रॉ करनी है. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर ली, 2 डिफरेंट हाइट्स की कैंडल्स ड्रॉ कर ली. अब हमने इन तीनों का कंपैरिजन करना है आपस में कि सबसे शॉर्टेस्ट जो है, जो शॉर्टेस्ट है कैंडल वो कौन सी है और टॉलेस्ट कैंडल कौन सी है. ठीक है, यहाँ पर जो ये येलो कलर जिसमें मैंने किया है वो है शॉर्टेस्ट कैंडल, क्योंकि ये हाइट में इन तीनों कैंडल से सबसे ज़्यादा छोटी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है शॉर्टेस्ट में येलो कलर. अब मैंने देखना है कि इन दोनों में कौन सी बड़ी कैंडल है. ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो ब्लू जिसमें मैंने कलर किया है वो टॉलेस्ट है. ठीक है, क्योंकि ये हाइट में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ब्लू कलर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टॉलेस्ट कैंडल में ब्लू कलर करें. ठीक है, इसके अलावा आप घर में एक्टिविटी भी कर सकते हैं. आपके पास टॉयज होंगे, एनिमल्स टॉयज होते हैं, तो वो आपने क्या करना है, उनको ऑर्डर वाइज आपने रखना है, देन आपने कंपेयर करना है उनमें कि इनमें सबसे शॉर्टेस्ट एनिमल कौन सा है और टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है. ठीक है,
या आपने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, अपनी मामा को करके दिखाना है, वीडियो बनानी है और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।